आज का हमारा टॉपिक है साइनिंग अप फॉर लिंक्डइन। साइन अप करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि व्हाट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से बात की कि ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क है और जिसमें बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव एक प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट करना है। अगर हम देखें कि जो कोर मैसेज है लिंक्डइन का, लिंक्डइन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क विद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मेंबर्स एंड ग्रोइंग रैपिडली। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अभी तक 575 मिलियन प्लस मेंबर्स हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये ग्रो कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो ऑडियंस है, इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर थोरो प्रोफेशनल। और लिंक्डइन खुद इस मिशन को डिक्लेयर करता है, द मिशन ऑफ लिंक्डइन इज टू कनेक्ट द वर्ल्ड्स प्रोफेशनल टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। कि अगर आप लिंक्डइन को ज्वाइन करेंगे तो आपका नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी एंड यू वुड बी वेरी सक्सेसफुल। अब हम देखते हैं कि जब आप एक प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, डेफिनेटली जब आपका प्रोफाइल लिंक्डइन पे क्रिएट होगा तो तब आप इसको यूज़ कर सकेंगे। आपको पहले साइन अप करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। नंबर वन, यू हैव टू नेविगेट टू द लिंक्डइन साइन अप पेज। अभी उसके बारे में हम देखेंगे कि साइन अप पेज को कैसे फिल करना है। सेकेंड स्टेप में आप नेम, सेकेंड फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप फिल करेंगे और फिर आप उसको ज्वाइन करेंगे और जो भी एडिशनल स्टेप्स आपको पूछे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप आप उनको फिल करते जाएंगे। ये लिंक्डइन का नेटवर्क हम क्यों ज्वाइन करने को हैं, व्हाई लिंक्डइन कैन हेल्प यू, कैसे ये हमारी हेल्प कर सकता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर वन, लिंक्डइन के ज़रिए यू कैन एस्टैब्लिश योर प्रोफेशनल प्रोफाइल। आप एक अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हैं। नॉर्मली पीपल कंसिडर के जो लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल है, इट्स वेरी मच लाइक योर सीवी, बट रियलिटीज़ इट्स मोर देन योर सीवी, इट्स नॉट जस्ट लाइक योर सीवी। इसके अंदर एडिशनल बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में कभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। और सेकेंडली, लिंक्डइन आपको क्या हेल्प कर सकता है, लिंक्डइन कैन हेल्प यू टू बिल्ड एंड मेंटेन योर प्रोफेशनल नेटवर्क। आप चूज़ कर सकते हैं कि किन लोगों के साथ आपने नेटवर्किंग क्रिएट करनी है। आप इस चीज़ को समझते हैं कि बिजनेस में नेटवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और लिंक्डइन के ज़रिए आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। नंबर थ्री, फाइंड एंड रीकनेक्ट विद योर कलीग्स एंड क्लासमेट्स। आप अपने क्लासमेट्स के साथ, कलीग्स के साथ, आप उनको, अगर वो लिंक्डइन पे है तो उनको सर्च कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड नंबर फोर, यू कैन लर्न अबाउट अदर कंपनीज एंड गेन इंडस्ट्री इनसाइट्स। आप लिंक्डइन को यूज़ करते हुए किसी खास कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और किसी खास इंडस्ट्री के बारे में इनसाइट्स ले सकते हैं। इसी तरह यू कैन फाइंड अदर प्रोफेशनल इन द सेम इंडस्ट्री यूजिंग ग्रुप्स। आप ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह फेसबुक ग्रुप्स होते हैं इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर भी ग्रुप्स हैं और ये लिंक्डइन के ग्रुप्स फेसबुक के ग्रुप्स से भी ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और ज़्यादा पावरफुल ग्रुप्स हैं। इनको यूज़ करते हुए आप सेम इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिनका इंटरेस्ट सेम होता है। नंबर सिक्स, शेयर योर थॉट्स एंड इनसाइट। इसका एक बहुत ज़बरदस्त पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप आर्टिकल शेयर कर सकते हैं, अपनी थॉट्स शेयर कर सकते हैं, अपनी इनसाइट्स जो आपके पास किसी इंडस्ट्री के बारे में उनको शेयर कर सकते हैं और आपकी एक रिकग्निशन हो सकती है और आप अपना एक स्टेटस इसमें मेंटेन कर सकते हैं। नंबर सेवन, टैप इनटू द नॉलेज ऑफ योर नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क के जो डिफरेंट लोग आपके नेटवर्क में जो मौजूद होते हैं वो अपनी इनसाइट्स, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं और आप उनके जो शेयर्ड जो मटेरियल होता है उससे आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। एंड फाइनली, डिस्कवर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप
का मकसद जॉब ढूंढना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना है, तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे आप अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो ये क्रिएट करते हैं जी हम नया प्रोफाइल। स्टेप वन में आपको लिंक्डइन का लॉगिन क्रिएट करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है www.linkedin.com। और जैसे आप इस पे जाएंगे यू हैव टू ऑप्शंस, एक तो साइन इन का है, अगर ऑलरेडी आप यूज़र हैं, आपका अकाउंट लिंक्डइन पे है तो आप साइन इन करेंगे, और अगर आप नए यूज़र हैं, जिस तरह आप नए यूज़र हैं तो आप ज्वाइन नाउ करेंगे। जैसे आप ज्वाइन नाउ करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये एक विंडो खुल गई है, और इस विंडो में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, और अब आपको यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं यहाँ पे आपके सामने लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करूँगा सोहा अंजुम का, कि जो कि आईडी पाकिस्तान में क्रिएटिव डायरेक्टर की पोजीशन पे काम कर रही हैं, और इनको हम देखते हैं जी। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम, फिर आपने लास्ट नेम, और ये चूँकि मेरा है और मैं इस पे जो soha.anjum25@gmail.com, और इसी तरह जो पासवर्ड है उसको हम यूज़ करेंगे, सेकंड स्टेप में आपको बताना है अपनी लोकेशन के बारे में। लेट स्टार्ट योर प्रोफाइल, कनेक्ट टू द पीपल यू नो एंड एंगेज विद देम ऑन टॉपिक्स यू केयर अबाउट। अब प्रोफाइल अब आपकी बननी है, एरिया आपका पाकिस्तान है, कोड अगर आपका पोस्टल कोड अगर आपको देना चाहते हैं आप इस पे जो आपको पता है तो उसका पोस्टल कोड दे दीजिए। दूसरे स्टेप में आपने अपनी लोकेशन के बारे में बताना है, और फिर देखिए स्टेप थ्री में योर प्रोफाइल हेल्प्स यू डिस्कवर द राइट पीपल एंड अपॉर्चुनिटी। और इसके लिए स्टेप थ्री में आपको अपनी जॉब के बारे में और रीसेंट कंपनी के बारे में बताना है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बताएंगे आप स्टूडेंट हैं। जब आप स्टूडेंट के बारे में बताएंगे तो डेफिनेटली आपसे आपकी एजुकेशन, जैसे इस पे हमने क्लिक किया तो आपका स्कूल क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, किस साल में शुरू किया, और एंड ईयर क्या है, कब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। चूँकि सोहा अंजुम इज़ नॉट अ स्टूडेंट, शी इज़ वर्किंग एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर इन आईडी पाकिस्तान, तो इसमें हम वापस आते हैं जी। जो इसकी पोजीशन है क्रिएटिव डायरेक्टर, और कंपनी का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान, इसमें हमने देखा, और स्टेप थ्री में आपने इसको फिल किया, आप कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंफर्म योर ईमेल, टाइप इन द कोड वी सेंड टू soha.anjum25@gmail.com। इस पर आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरे टैब में ये खोला हुआ है, और इसमें लिंक्डइन का मैसेज आ गया जी, इसको हमने कॉपी किया। सिर्फ आप कोड कॉपी करेंगे और आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एड योर ईमेल कॉन्टेक्ट टू सी हु यू ऑलरेडी नो ऑन लिंक्डइन। आपके जो ऑलरेडी कॉन्टेक्ट्स होंगे वो इस पे आ जाएंगे, लेकिन चूँकि प्रैक्टिस के लिए हमने सोहा अंजुम का एक नया अकाउंट क्रिएट किया है, इसमें अगर वो लेना चाहें तो आप
कंटिन्यू करेंगे तो आपके वो उसमें कॉन्टेक्स्ट आ जाएंगे, लेकिन हम इसको स्किप कर देते हैं, ये ऑप्शनल होता है आपके पास, इसको हमने स्किप किया. आर यू श्योर लिंक्डइन वर्क बेस्ट व्हेन यू आर कनेक्टेड टू मोर पीपल? नो इनविटेशन विल बी सेंट विदाउट योर कंसेंट. और इस पर आप कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, हमने कहा जी कि इसको आप फिलहाल स्किप कर दीजिए. ये कॉन्टेक्स्ट हैं, ये सारे कॉन्टेक्स्ट अगर आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने ऐड करना है, इसको ऐड करना है, जितने लोगों को आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं. और लेट्स से हमने कहा कि 5 कॉन्टेक्स्ट को हमने ऐड करना है, तो इसमें हमने इसको ऐड कर दिया. जी, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है. प्रोफाइल पिक्चर, चूँकि नेक्स्ट लेक्चर में प्रोफाइल पिक्चर एक बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करना है, और इसको फ़िलहाल हम स्किप करते हैं. और ये आपका क्रिएट हो गया जी, एक प्रोफाइल क्रिएट हो गया, इसको आप यूज़ कर सकते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जी कैसे आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में देखेंगे, जिसमें बाकी जो स्टेप है उसको हम फॉलो करेंगे. तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, हमने के लिए दें इजाज़त. थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट.